कर लेते हैं तो सबसे पहले भारत को बधाई, भारत देश को। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को 50 रन पे ऑल आउट करके अपना फाइनल अपने कब्जे में कर लिया है। तो अभी राघव सर से थोड़ा इन्विटेशन लेते हैं, राघव सर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सर प्लीज। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है सीए राघव गोयल। काफी वर्षों से मैं सीए सीएमए सीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आप में से हो सकता है कुछ लोग पहले से मेरे साथ पढ़ते हो, तो बस आप लोगों के बीच में रहते हुए ही मैंने काफी बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी का जिया है। तो बहुत करीब से मैंने देखा है, लॉकडाउन से पहले फेस टू फेस बैचेस हम लेते थे कि बच्चों को पूरे दिन भर में उनका रूटीन क्या रहता है और कैसे कैसे वो किन किन छोटी छोटी बातों से चिंतित हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि हमारा पहला लाइव जो है वो इसलिए इस टॉपिक पर हम रखें कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने अखबारों में कोटा की भी खबरें बहुत सुनी, और कोटा की तो चलो खबरें आती हैं, स्ट्रेस तो हर जगह रहता है, तो बस उसके बारे में बात कर लेते हैं। यस सर। हाँ जी। तो दोस्तों आज का टॉपिक राघव सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्टूडेंट्स जो है स्ट्रेस में रहते हैं, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, हमारा स्पेशलाइजेशन कॉमर्स बैकग्राउंड का है, लेकिन वो किसी भी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, आपके एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आपने देखा होगा स्ट्रेस का लेवल आज के टाइम पे स्पेशली बहुत बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस और अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैव बीन डन बाय द स्टूडेंट्स। तो मिनिमल एक्टिविटीज कौन सी करें, यानी कि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करें और आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाए सिर्फ उन एक्टिविटीज को करके जो बहुत कम है और आपकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करके दें, ताकि आप उन चीजों से दूर रह सको जो आपको डिस्ट्रैक्ट रखती है और आपको स्ट्रेस में रखती है। तो वो थोड़ा सा आपको बताएंगे राघव सर। तो अब हम पूछते हैं सर, स्ट्रेस को दूर, स्टूडेंट स्पेशली स्टूडेंट को स्ट्रेस दूर करने का जो तरीका है जब वो पढ़ते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, तो उनको फैमिली को भी देखना होता है। कुछ लोग फैमिली से हट के दूर पढ़ने जाते हैं, रूम लेके रहते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ पढ़ रहे हैं तो वो भी परेशान है क्योंकि उनको फैमिली में बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है। तो इन सारी चीजों को मैनेज कैसे किया जाए, स्टूडेंट्स को ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो नहीं करनी चाहिए और कौन सी एक्टिविटीज है जो करनी चाहिए लाइफ में, ताकि उनका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाए। सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात बताऊं कि पढ़ाई को ना पढ़ाई की तरह करना चाहिए। वो ठीक है, लाइफ की बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम लोग ना लाइफ गेम बना देते हैं उसको। मतलब हमें लगता है कि हमारे इतने परसेंट आ गए या हमारा ये क्लियर हो गया तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। पता है आपको, जिस दिन जो बच्चे एग्जाम पास करते हैं उस दिन की बस खुशी होती है, उसके बाद फिर नए चैलेंजेस लाइफ में हो जाते हैं, फिर अगली बात का स्ट्रेस होता है। तो अपने को सबसे पहले तो ये समझना है कि पढ़ाई हो, नौकरी हो, कारोबार हो, घर हो, जिंदगी हो, ये और वो कुछ भी हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ओनली, दैट्स नॉट द कंप्लीट पिक्चर। तो एक तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा अपने दिमाग में आप लोगों को ये रखना चाहिए कि पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस मुझे लगता है कि बिल्कुल अननेसेसरी। एक बार को इस बात का स्ट्रेस मुझे समझ आता है कि भाई आपके फ्रेंड आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा, या आप उससे मिलने जाना चाह रहे हो आप उससे नहीं मिल पा रहे। मैं एक बात बताऊं, इमोशनल स्ट्रेस फिर भी समझ आता है किसी बच्चे के जीवन में हो जाए, फैमिली में मान लो कोई ट्रबल है, कोई परेशानी है, लेकिन मतलब पेपर में पास होने का स्ट्रेस, तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकालो कि पढ़ाई जिंदगी है, राइट, एजुकेशन इज ओनली पार्ट ऑफ, और वो चलती रहेगी, हम आज तक कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप पढ़ाई के लिए जाते हैं कहीं पर भी, अपने स्कूल कॉलेज कोचिंग लाइब्रेरी दोस्तों के घर ग्रुप स्टडी कहीं पर भी, तो आप ना बहुत बड़ा टारगेट बना लेते हो। मतलब सब लोगों को मैंने सुना है मोटिवेशन स्पीचेस में भी कि मुझे सीए बनना है, मुझे सीएमए बनना है, और मुझे ये डिग्री हासिल कर लेनी है, मैं डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। वो कहने में ना बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों लोग जो आज लाइव आए ना, कुलदीप सर और मैं, हम प्रैक्टिकल बात करने आए। पता है आपको, डॉक्टर इंजीनियर सीए सीएमए सीएस वकील कुछ भी बनना है ना, वो तो आप अपने आप बन जाओगे अगर आपने बस आज का गोल अचीव कर लिया। बस होता क्या है कि आपने आज के लिए टारगेट बनाना है बस, कि भाई आज मेरे को 10 क्वेश्चंस करने हैं फलाने सब्जेक्ट के, फलाने चैप्टर के, फलाने टॉपिक के और फलाने स्ट्रीम के। आपने पूरे दिन केवल और केवल 10 क्वेश्चन सुनने हैं, 10 क्वेश्चन। मतलब अगर स्ट्रेस भी रखना है, चिंता भी रखनी है, दिमाग में दिक्कत भी महसूस होगी, तो 10 ही क्वेश्चन की होनी है।
तो मान लो 10 क्वेश्चन आज नहीं हुए तो बुरे से बुरा बता रहा हूं आपको क्या होगा, कल का दिन आपका खराब जाएगा, आप कुछ और नहीं करोगे, आप बैठ के वही 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो दो दिन खराब हुए, आप सोचते हो तो हाय मैं सीए कैसे बनूंगा, मैं सीएमए कैसे बनूंगा, मेरी तो लाइफ खराब हो गई, मेरे तो बर्बाद हो गया, मैं मेरा तो अटेम्प्ट बिगड़ गया, मुझे तो नॉप जॉब नहीं मिलेगी। इतना लंबा सोचते हैं दोस्तों हम कि सब बिगड़ जाता। बस दो ही तीन बातें मुझे और बतानी है, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो बैक ऑफ द माइंड याद रखना है कि लाइफ नहीं है पढ़ाई, पढ़ाई के बाद बहुत कुछ है दोस्तों जो जिंदगी में आप लोगों ने करना है, ठीक। दूसरी बात हमने क्या रखनी है, आज का काम बस डिसाइड करना है और उसे फिनिश करना है। ये जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, टाटा बिरला महिंद्रा गोदरेज, इनके ख्वाब जरूर होंगे बड़े, लेकिन इन्होंने ना अपने काम पे फोकस करा, अपने ख्वाब पे फोकस नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, मोटिवेशनल स्पीचेस थोड़ा कम सुना करिए आप लोग। मोटिवेशनल स्पीच आदमी के अंदर इतना बड़ा वो फुला देती है गुब्बारा, वो अगली सुबह फट जाता है। बस क्या करना है, आज का काम फिनिश करना है, बस इतना। दूसरी बात, आप स्ट्रेस के लिए ध्यान रखिए कि आपको ना लाइफ में 24 घंटे मिलते हैं। अब वो 24 घंटे भगवान ने आपकी पढ़ाई के लिए तो बनाए नहीं। मैंने कई जगह किताबों में पढ़ा है, कुलदीप सर ने भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, वो 888 का जो कॉन्सेप्ट है कि आप 8 घंटे अच्छी नींद लीजिए, 8 घंटे आप अपना ऑक्यूपेशन करिए। ऑक्यूपेशन का मतलब, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई, जॉब करते हैं तो जॉब, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस। तो 8 घंटे की पढ़ाई करनी है और बस बाकी जो 8 घंटे हैं उस 8 घंटे में अपने जीवन को समय दीजिए। इंसान इकलौता ऐसा प्राणी है संसार में जो हंस सकता है, इंसान के अलावा किसी को मुस्कुराने की वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे मार्केट में, पॉसिबिलिटी। तो आप जब हंस, आप इकलौते हंस सकते हैं तो हंसते रहिए, ठीक। दूसरी बात, उस 8 घंटे के अंदर वो काम करिए जो आपको पसंद है। आप ह्यूमन एनिमल हैं, आपको पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, तो आप 8 घंटे ही केवल पढ़ाई करें। वो सारी बातें बेकार हैं जो लोग कहते हैं मैंने 16 घंटे पढ़ाई करी, मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी, मैंने 18 घंटे पढ़ाई करी, उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलता, राइट। तो पहली चीज क्या है ध्यान में रखनी है, कि अपने दिमाग में रखना है हमको कि पढ़ाई केवल लाइफ का पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। दूसरी बात, हमें अपनी जिंदगी के गोल रोजाना डिस्कस नहीं करने। हमें कोई सीए नहीं बनना, हमें सीएमए नहीं बनना, हमें सीएस नहीं बनना, बस हमने आज का जो काम डिसाइड करा है बस वो फिनिश कर लेना है। तीसरी बात हमने सुनी कि 8 घंटे और 8 घंटे में अपनी लाइफ को बांट लेना है। और मैं आखिरी बात आपको बताऊं, सबसे बड़ा स्ट्रेस का रीजन ये है कि हम कभी भी अपनी बात को स्पीकअप नहीं करते, कभी भी हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते, बस वो मन में ओवर थिंकिंग चलती रहती है। मैंने कल एक वीडियो भी डाली है, आप लोग देखिएगा, ओवर थिंकिंग के ऊपर। प्रॉब्लम होती है सर छोटी सी 2 मिनट की, और बच्चे सोचते रहते हैं उसके बारे में पूरा दिन। भाई मान लो किसी रिश्तेदार ने कह दिया तेरा अब तक क्लियर नहीं हुआ, ओ या ये क्वेश्चन तो इतना आसान था तुझसे हुआ नहीं, बताओ। अब उसने तो एक बार कहा कि तुझसे इतना सा क्वेश्चन नहीं हुआ, हम साहब पूरा दिन यही सोचते रहे मैं तो बहुत कमजोर हो गया हूं पढ़ाई में या हो गई हूं। तो अपने को क्या, ये जो भी प्रॉब्लम अपने को फील हो दिन भर में, दो में से एक काम करिए, या तो आपके पास कोई हो आपका अपना निजी, उसको जाकर सारा का सारा उल्टी कर दीजिए, मेरे साथ ये हुआ, देख बता क्या करूं मैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भैया, आपके दीदी, आपके ताया ताई, चाचा चाची, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति। और अगर आप मेरी बात माने तो किसी से कहने की जगह रफ पन्ना लीजिए, डायरी नहीं लेनी है, रफ पन्ना। डायरी में लिखेंगे कोई पढ़ लेगा आपके अंदर की सारी बातें, रफ पन्ना लीजिए, उसमें दिन भर का सारा बवाल लिख दीजिए, आज सुबह पता है क्या हुआ मेरे साथ, वो सब उस पे लिख दीजिए। आप देखिएगा जब आप आखिरी लाइन लिख रहे होंगे ना, आपको इतनी एनर्जी आ चुकी होगी, बिना ग्लूकोज के आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी और आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो अंदर का बवाल निकलता भी तो नहीं। तो ये मेरी कुछ बातें थी जो आप लोग अगर फॉलो कर लेंगे तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस क्यों होता है, क्यों नहीं होता, उन चक्कर में मत पड़िए आप, रिसर्च का विषय नहीं है स्ट्रेस, कैसे खत्म करें बस वो समझना है आपने। यस सर, बहुत बढ़िया सर, आपने 15 मिनट के अंदर पूरी जिंदगी का सार इनको दे दिया कि स्ट्रेस को बिल्कुल रिलीज, फेंक कैसे दें, उगल निकल कैसे, निकाल कैसे दें उसको।
तो जी, आपने जो स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था उसी को पॉइंट में मैं एक चीज ऐड करूंगा, एक एग्जांपल देके, फिर हम एक कमेंट आया था एक बच्चे का, उसका भी हम आंसर करेंगे। तो आपने बोला था कि हमें सिर्फ एक दिन के जो गोल बनाया है हमने उसी पे फोकस करना है, उसी को एक्टिवेट करना है, उसी की एक्टिविटीज पे फोकस करना है। अब यहाँ पे जो बड़ा गोल बनाने की बात होती है, स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमें यहाँ से वहां पहुंचना है, दिल्ली से ऋषिकेश जाना है, तो ऋषिकेश दिखाई छोड़ी देता है। अब दिल्ली से ऋषिकेश स्पेशली आप रात को जा रहे हो और बारिश हो रही है, तो रात को जाते हुए तो और कम दिखाई देता है आपको, आगे का 10 मीटर का ही तो दिखाई देगा ना, और बारिश आ जाए तो 2 मीटर का दिखाई देगा। तो क्या आप गाड़ी चलाना बंद कर दोगे क्या? लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आपके पास ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, तो क्या होगा, आपकी स्पीड ही तो स्लो हो जाएगी, चलना थोड़ी बंद कर देंगे और ऋषिकेश कैसे पहुंचेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। ऋषिकेश नहीं दिखाई देगा आपको, आपको बस वो स्टेप लेना है जो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। और हाँ जी, तो प्लस एक कमेंट आया था सर, उसका भी आंसर कर देते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया, ये कह रहा है स्ट्रेस का मेजर रीजन है कंफ्यूजन, क्या करे। रिशांक पाल का कमेंट है, स्ट्रेस का मेन रीजन कंफ्यूजन होता है, क्या करे लाइफ में, तो उसका क्या सोल्यूशन है? लाइफ में क्या करे का मेरा तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल ये है कि लाइफ में जो भी करना है ना, वो आप बहुत एडवांस में नहीं डिसाइड कर सकते। हम उस दिन कुमार विश्वास को सुन रहे थे, आप लोगों ने, आप जानते होंगे कुमार विश्वास मशहूर कवि हैं, ही वाज प्रोफेसर आल्सो। तो वो कह रहे थे कि शुरुआत में मैं प्रोफेसर था, फिर मुझे लगा कि बच्चों को पढ़ाने से मैं बच्चों का भविष्य खराब कर रहा हूं, मैंने कविता शुरू कर ली, जिंदगी अपने आप मुड़ गई, फिर लाइफ मुझे राजनीति में ले गई तो मैं राजनीति में चला गया, फिर भगवान को शायद राजनीति मंजूर नहीं थी तो मैं वापस कविता में आ गया। अब अगर यही घटना मेरे तुम्हारे साथ घटती, आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं सबसे, कि अगर हम अपनी ऑक्यूपेशन लाइफ में 4 बार बदलते, उसने बदली तो वो मोटिवेशन का विषय बन गया, और हमारे जीवन में अगर ये 4 बार बदलाव होते तो पता है लोग क्या कहते हैं, देखो कहीं टिकता ही नहीं है ये, इसका सार ये है दोस्तों, जिनका क्वेश्चन था कि क्या करें लाइफ में, लाइफ को चलने दीजिए बिल्कुल जैसे वो चल रही है। मैंने आपको बताया ना, अगर आपने सीएमए का फॉर एग्जांपल एडमिशन ले लिया है, या आपने सीएस में सीएमए एडमिशन ले लिया है, और आज आपने 2 क्लासें करी और उन क्लासों में टीचर ने इतना होमवर्क दे दिया, आज आपकी मौसी लंदन से आ रही है, आज आपके पापा के ऑफिस का एक फंक्शन है जिसमें आपको जाना है, और आज वो घर के अंदर वो एक ट्यूबलाइट खराब थी जो आपको सही कराना है, बस इतना ही गोल रखिए। बस ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आप कुलदीप सर का उदाहरण सुनिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप 17 घंटे की फ्लाइट से जब दिल्ली से अमरीका जाते हैं तब भी किसी को होश भी नहीं होता कि हम अमरीका पहुंचेंगे भी कि नहीं, बस वो तो चल रहा होता है उसके डायरेक्शंस को देखकर। तो मैं वही बता रहा था कि कंफ्यूजन इस बात की नहीं क्या करें, कंफ्यूजन इस बात की क्योंकि आप सोचते बहुत है कि क्या करें, अरे आज जो करा बस वो आज का दिन पूरा कर लीजिए, छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में काम करेंगे ना तो कभी बर्डन नहीं फील होएगा। जी सर, जी सर, तो आज का सेशन हम कंक्लूड करेंगे बस थोड़ी देर में। ये एक बच्चे ने कुछ और क्वेश्चन पूछा है आज, अभी बस इसका आंसर करते हैं, उसके बाद दोस्तों लाइव थोड़ा लंबा हो जाएगा, पहला लाइव है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे, आगे जब लोग और जुड़ेंगे तो हम आपके क्वेश्चंस को, आप ही के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आज हमने ये टॉपिक इसलिए उठाया था कि ये सबका मेजर टॉपिक है, आज के टाइम पे बच्चे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये हरीश जांगिर कह रहे हैं, बच्चों से हम कह सकते हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी, आप कुलदीप सर को अपने इश्यूज भेज दीजिए कि आप किस पे चाहते हो बात करना, तो वो हम वी कैन डॉक्यूमेंट दैट। बिल्कुल, ये कमेंट करके बता सकते हैं कि इनको अगला लाइव किस टॉपिक पे चाहिए, हम उसी टॉपिक पे लेके आएंगे बिल्कुल प्रिपेयर होके। जी जी। और हरीश जांगिर कह रहे हैं सर आपने 888 का बोला है, पर सर ऑफिस का टाइमिंग ही इतना है और पढ़ाई और बाकी चीजों में दूसरी, फिर आप वही 50 चीजें सोच रहे हो जांगिर ये फिर तो सर इसको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो 100% रूल का कंप्लायंस करना कभी नहीं हो सकता। सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन जांगीर तुमने सुना होगा, वो भी 99.99% होता है, और अगर आप 3 सिग्मा भी अचीव कर लो तो मतलब बहुत जो सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो आपको रिवॉर्ड देती है अगर आप 3 सिग्मा तक भी पहुंच गए। तो अगर मान लो तुम्हारी जॉब में तुम्हारे 9 घंटे चले जाते हैं, 10 घंटे चले जाते हैं,
तो अपनी नींद मत कम करना, बस अपने जो रोम अराउंड वाला टाइम था 8 घंटे वाला, वो तुम ऐसे कर लेना कि 8 घंटे की स्लीप तो 8 ही घंटे की रखना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आए या फिर भगवान आके बोले कल मेरे साथ अपॉइंटमेंट है तेरा, कहना भाई मेरा सोने का समय है, 8 घंटे तो सोना तो जरूर है, बाकी अपने जो बचा हुआ 8 था उसे कम कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम अपने लाइव को यहीं पे कंक्लूड करेंगे, आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप पुट कर, यू कैन पुट अप द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द चैट हियर। एंड मजा आया आज की चैट में, और इंडिया सर बिल्कुल जीता तो बड़ा पीपीटी की जीत थी वैसे तो, लेकिन देखो जीता तो है ही, तो हिंदुस्तान को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, इंडिया जीत गया। एंड निशांत कह रहे हैं भाई ऑडिट वाले लेक्चर और ये जो लेक्चर वाला पॉइंट है उसके लिए आप अलग से जो टाइमिंग आपको दिया गया है वहां पे आप पूछो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे आप जनरल बातों को लेके आप आ सकते हो। हाँ जी, मैं तौसीफ के सवाल का जवाब देना चाह रहा था। तौसीफ भाई पूछ रहे हैं, तौसीफ तुम जो पूछ रहे हो ना वो मेरे या किसी भी प्रोफेशनल की लाइफ में रोजाना होता था, मतलब मैंने जो पास करा अपना डिग्री That was with office. If you remember, you were in the same coaching. आप हम पूरे दिन पढ़ाते थे, फिर पेपर देना होता था हमको, तो मैं बता रहा हूँ ना क्या करना चाहिए। आप 100% पढ़ाई पर फोकस, 100% कंप्लीशन पे फोकस मत करिए। आप जितने एक्सपीरियंस दें आपको पता है कि क्या पढ़ना है, तो आप छोटा छोटा भी पढ़ोगे ना, छोटा छोटा। उस दिन मैं आपको बताऊं, मैं किसी को सुन रहा था कि आपने जिम में एक्सरसाइज करी मान लो, और आप अपने आप को शीशे में जाके देखने लगे, अपने आप को नपाने लगे कि देखो भाई मेरे तो 1.5 घंटे की एक्सरसाइज हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, बताओ अभी तक बाइसेप का साइज उतना ही है, या अभी तक मेरा वजन नहीं कम हुआ या कमर नहीं कम हुई। तो ऐसे थोड़ी होगा कि आज गए और कम मतलब वापस आ गए और फर्क पड़ जाएगा। आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा, 10 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, 1 मिनट, 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए। होता क्या होगा तौसीफ, तुम सोचते होगे कि मैं 2 घंटे आज बिल्कुल फोड़ डालूंगा सारी पढ़ाई, फायदा नहीं है ना। 20 मिनट पढ़ना है बस, केवल 20 मिनट, 20 मिनट रोज पढ़ोगे, पढ़ना शुरू करोगे तो ऐसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तुम्हारे जितने एक्सपीरियंस के बाद, आई नो हिम पर्सनली, तुम्हारे जितने एक्सपीरियंस के बाद तो तुम कम पढ़ने में भी अपने आप सेंस लगा लोगे ज्यादा का, ठीक है। तो ज्यादा का इरादा नहीं करना है, हम हमारे पास थोड़ा है और हमें थोड़े की जरूरत है। यस जी सर। दोस्तों तो सर, डू वी हैव, आई मीन कैन वी कंक्लूड द चैट नाउ, प्लीज प्लीज वी शुड कंक्लूड। यस यस, बिकॉज थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, अदरवाइज बच्चे कहेंगे हम तो बोर हो गए, नींद आ रही है हमें। ऑल राइट दोस्तों, अब तो चैट में बड़ा मजा आया, आज हमने टॉपिक कवर किया स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अगला टॉपिक जो आप हमें बताओगे वो हम लेके आएंगे, नहीं बताओगे तो हम तब भी कुछ ना कुछ लेके तो आएंगे ही आपके लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लाइव में, ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड तब तक के लिए, अगले लाइव तक के लिए टेक केयर एंड बाय 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 बाय।